हे माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले आपको करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका करवा चौथ शुभ हो। आज करवा चौथ है तो इसलिए ब्लॉग मैं शूट कर रही हूँ। और लो, बच्चा भी उठ गया, वो भी रो पड़ा। ब्लॉग शूट करते करते बच्चा, मैंने इसको सुला दिया था, लेकिन बट ये उठ के रोने लग गया। तो मैंने, चलो ठीक है बिट्टू, आप भी आ जाओ ब्लॉग में। देख रहे हो आप इसका मुंह कैसे सूज रहा है इसका? कभी सो के उठा है ना, तो ऐसे मुंह सजा रखा है इसने, है ना बेटू? बता दो सब्सक्राइबर्स को, बोल दो हैप्पी करवा चौथ। मेरी तरफ से भी करवा चौथ सबको बहुत सारी शुभकामनाएं, है ना? तो बस कुछ नहीं, पतिदेव तो आज सुबह ऑफिस चले गए हैं, खैर आज ऑफ भी नहीं था। तो बस सुबह बस सफाई वगैरह करी, और अब बस दिन में मैं भी नहा धो के बस रेडी हूँ। और आज तो मैंने कुछ सिंपल सा आउटफिट डाला है बस, ठीक है। मैं ना बच्चे के साथ क्या मैनेज हो नहीं पाता है, तो मैं ठीक है अभी तो सिंपल सा आउटफिट डाल लेते हैं, तो शाम में देखती हूँ क्या पहनने वाली हूँ। मुझे कपड़ों का तो बहुत शौक है, बट देखो क्या पहनती हूँ। साड़ी पहनती हूँ, लहंगा पहनती हूँ। एक्चुअली लहंगा मेरा फेवरेट है, और ये बिट्टू महाराज हमें कितना तैयार होने देंगे, क्योंकि आज पतिदेव कह रहे थे कि आज तो उनकी मीटिंग है, तो मे बी वो शायद लेट हो जाए। तो इसलिए बेटू, आपकी ये सब जो हरकत है ना, सब शूट हो रही है, पता है आपको? ऐसे रोने से काम नहीं चलेगा, पता है? मैंने इसको सुलाया था, बट ये विद इन है ना 30 मिनट्स में ये उठ चुका है। क्यों, क्या बात हो गई? हेलो गाइज, गुड इवनिंग। और आप सबको करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। और अभी शाम के लगभग 7 बज चुके हैं, और अभी मैं ऑफिस से आया हूँ, क्योंकि ऑफिस में आज मीटिंग थी, तो आज मैं थोड़ा लेट हो गया था। और मैडम ने पूरी तैयारी कर चुकी है खाने की, पूजा की, और मैडम ने आज आउटफिट भी शानदार पहन रखा है, लहंगा, और उसका कलर भी काफ़ी अट्रैक्टिव है। और पहले यहाँ पर लाइट गई चली गई थी, लेकिन अभी वापस से आ चुकी है 10-20 मिनट के बाद में। और बच्चा तो देखो सो गया है, इसको इधर नीचे सुला रखा है, थोड़ी देर मेरी गोदी में खेला, फिर उसके बाद ये सो गया। बढ़िया रस हो गया, जो कि मैडम को पूजा नहीं करने देता। ये जैसे पूजा के सामान रखे हैं, तो पूजा के सामान की तरफ भाग रहा है, उसको अट्रैक्ट हो रहा है, उसको नई नई चीज़ें दिख रही हैं, तो उनकी तरफ जा रहा है, उनको पकड़ रहा है, कभी क्या पकड़ रहा है, कभी क्या पकड़ रहा है। तो मैंने सोचा चलो मैं इसको सुला देता हूँ, तो मेरी गोदी में सो गया, फिर मैंने इसको नीचे सुला दिया। और अभी मैडम पूजा कर रही है, देखिए मैडम अगर पूजा में लीन है, चौथ माता की पूजा चल रही है यहाँ पर, चौथ जल रही है। प्रसाद, और ये इनके लिए ऋतुफल। अभी मैं आग जला लेता हूँ, गोबर की जो करंडी होती है उनको तैयार कर रहा हूँ, गैस पे जला रहा हूँ, अब भूख के काम आएगी, तो अभी रेडी हो रही है। अभी मैं भी आ गया मैडम के साथ पूजा में शामिल होने, क्योंकि मेरी कहानी पूरी हो गई थी, पूजा कंप्लीट हो गई थी, तो सबको मुट्ठी लगाना है, इसलिए फिर मैंने इनको बुला लिया। इतनी शांति से इसलिए कर पा रहे हैं, बच्चा सो रहा है, सही टाइम पे सो गया वो। ये तुम आराम से पूजा करो, उसके बाद जग जाएगा, ये पूजा जैसी कंप्लीट होगी जग जाएगा। अभी तो चांद का इंतजार रहेगा मैडम, कब चांद से करवा चौथ का चांद थोड़ा जल्दी हो जाता है, जल्दी नहीं होता, लेट होता है। नहीं नहीं अब रियल लाइफ में देख लो या फिल्मों में देख लो, चांद हमेशा होने में नाटक ही करता है। और दिन जल्दी जग जाएगा, लेकिन जिस दिन करवा चौथ होगी ना, उस दिन खास के बिल्कुल टाइम से नहीं उगेगा, चाहे रियल लाइफ हो या रियल लाइफ हो, दोनों में देख लेना। नहीं अभी 8 तो बजने वाले शायद, अभी इंतजार है कब चांद हो गए, कब छत पे जाए, कब आ रहा है। क्योंकि व्रत थोड़ा क्या मुश्किल होता है, कि ये निर्जला होता है, निराहार होता है, तो थोड़ा टॉप होता है, लेकिन ठीक है, माता की शक्ति ये तो देखा जाता है। हाँ, बाकी वैसे तो आदमी सुबह से पानी नहीं पीता तो परेशान हो जाता है। हाँ। मैं ऑफिस में कितनी बार पी लेता हूँ, ऑफिस में घरों प्यास तो लगती है, बिना पानी में कोई नहीं रहता।
लेकिन ये व्रत ऐसा है जिसमें औरत सुबह से शाम तक रहती है। देख कैसी हालत हो गई, सुबह से शाम तक रहती है। बोलने बाद मैडम का श्रृंगार हुआ है। अभी मैंने मेरा कुर्ता निकाल लिया, मैंने सोचा चलो वैसे कुर्ता पहनने का मौका मिलता नहीं। हाँ, तो फेस्टिवल के टाइम पर अभी पहन लिया कम से कम। अभी मैंने मेरा कुर्ता निकाल लिया और बच्चे को तैयार करते, लेकिन बच्चा उससे पहले सो गया। मुझे नहीं आना इस ब्लॉग में, आप सो आ रहा हूँ। आप करो अपने काम, मुझे तो सो रहा हूँ अपने। तो अभी पूजा कम्प्लीट कर लेते। ये देखिए दोस्तों, मैडम का आउटफिट, लहंगा पहना हुआ है। आज के वीडियो में आपको मैडम बिल्कुल अलग ही दिख रही होगी। हाँ, आज तैयार होकर बिल्कुल एकदम ब्लॉग शूट हो रहा है। और एक बचपन में तैयार नहीं होता थी, बट लेकिन तब भी मैं आज मैंने यहाँ से करो सब यहाँ से तैयार हूँ। आज तो फेस्टिवल है, आज तो तैयार होना बनता ही है। अभी ये पहले सो रहा था, लेकिन आरती के टाइम पे जग गया था। जैसी पूजा खत्म हुई, आरती का टाइम आया, ये जग चुका था। ये देखो रिमोट पटक दिया, रिमोट को फेंक रहा है। गिर जाओगे बेटू उधर। हाँ तो टाइम देखो 9:45 हो चुके हैं, चांद निकलने में ही है। अभी रोशनी आने लगी है उसकी, जैसे चांद निकलने से पहले जैसी रोशनी आती है वैसी रोशनी आने लगी, तो अभी 10 मिनट में निकल ही जाएगा। आरती के लिए और उसके फेवरेट पिलो देखो, ये इनको देख के बहुत खुश होता है। इस पर जो डिजाइन बनी हुई है इनको देख के, और इधर स्माइली बनी हुई है अलग अलग तरह की, इनको देख के भी काफ़ी खुश होता है। हेलो करो, हेलो करो, हेलो हेलो बोलो बोलो बोलो, कुछ आवाज़ नहीं निकल रही। ये भी इसका एक खिलौना है, फेवरेट खिलौना, इसके साथ ही बहुत खेलता है। और दोस्तों अभी हम आ गए छत पर, और ये देखो चांद निकल चुका है, और मैडम अभी आ रही है ऊपर। इसका इंतजार रहता है करवा चौथ के दिन की, कब चांद निकलेगा, कब इसको अर्घ देंगे और कब पानी पियेंगे। ये मैडम भी आ चुकी है इधर, अंधेरा हो रहा है। ये मैडम इधर आ चुकी है, और बच्चा मेरी गोदी में। वो देखो चांद भी क्लियर दिख रहा है, अब तो काफी ऊपर आ चुका है। अभी दोस्तों वो क्षण आ गया जिसका मैडम सुबह से इंतजार कर रही थी, पानी पीने का। तो अभी हमने पूजा भी कर ली है, अर्घ भी दे दिया, और अभी पानी पीने की बारी है बस मैडम की। बच्चा देखो कैसे देख रहा है, नई नई चीज देखने को मिल रही है। सुबह से पानी नहीं पिया, पानी पिया, मजा आ गया पानी पीने में। बहुत बस अब तो मैं करवा चौथ पे तो हमेशा मैं पानी पी के काम चल जाती है, और ये रोटी खाती हूँ गलती से, बस पानी पानी से काम चलता है। अरे सर दिन भर भूखे रहते हैं तो फिर क्या है कि भूख मर जाती है, भूख लगती नहीं है। और
पानी क्या निर्जल हो गए तो उसमें क्या है कि पानी आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, नहीं पियो तो ठीक है, पी लोगे तो फिर और अच्छा लगेगा और अच्छा लगेगा। ये देखो बिट्टू में गोदी में झूल रहा है एकदम, पूरा खुला छोड़ रहा है, कभी इधर हो रहा है कभी उधर जा रहा है, कंधे दर्द करने लग गया। तो अभी नीचे चलते हैं, अभी आगे दोस्तों हम नीचे ऊपर से, और पूजा भी हो गई, अर्घ दे दिया, अभी खाना खाना बाकी है। ये हमारा आज का ब्लॉग था, करवा चौथ स्पेशल, मैडम की स्पेशल ड्रेस। हाँ, कमेंट करके बताना मैं कैसी लग रही हूँ और आपके यहाँ पर कैसे पूजा होती है। हमारे यहाँ तो ऐसी पूजा होती है, हमारे यहाँ देखो सिंपल सी पूजा होती है, बहुत ज़्यादा कुछ फैंसी नहीं होता, और जैसी होती है वही वैसी कर लेते हैं, सब भगवान मान लेते हैं जैसे होती है। बिट्टू के तिलक लगा दिया, वो भी बड़े ध्यान से देख रहा था क्या चल रहा है, कैसा हो, कैसा हो रहा है। तो चलिए अभी आज के ब्लॉग पे ही समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।